नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ रवीश। देश विदेश में सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। भारत में जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, अमृतसर समेत कई शहरों में सूर्य ग्रहण दिख रहा है। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार में घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर तारामंडल पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्य ग्रहण को देखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तारामंडल, वहां पर उन्होंने सूर्य ग्रहण को देखा। ये देख सकते हैं, स्पेशल चश्मे से उन्होंने देखा। श्रद्धालु यहां पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सूर्य ग्रहण में माना जाता है कि अगर आप डुबकी लगाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है इसको आप कम कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, खास चश्मे उन्होंने लगाए हुए, टेलीस्कोप के जरिए भी देख रहे हैं। आगे लेंस लगा है, टेलीस्कोप है उनके पास, दूरबीन है, उसकी मदद से उस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। यहां पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल में पहुंचकर सूर्य ग्रहण को देखा। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है, और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे, तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। वही वही तो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, उनको आपने देखा दूरबीन से, उन्होंने सूर्य ग्रहण वहां पर देखा, तारामंडल में पहुंचे थे गोरखपुर में, और श्रद्धालुओं को भी आपने देखा जो कि आस्था की डुबकी लगा रहे थे। कृष्णा शर्मा, मशहूर ज्योतिषी जो है वो हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कृष्णा जी। ग्रहण का मतलब एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट आता है। अब ग्रहण, सूर्य ग्रहण का दिन है आज, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, क्या प्रभाव आप देखते हैं इसके? देखिए, तुला राशि में पड़ा है जी, और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है देश पे, जनजीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तुला राशि आप ये देखेंगे कि सूर्य और आपस में बनती रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनजीवन पे, लोगों पे, देश विदेश में सब पर असर पड़ने वाला है। राहु स्वाति नक्षत्र रहा है तो राहु का है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली बेशक जो है आर्थिक है, मगर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देश दुनिया पर खराब असर डालने वाला है। भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा कृष्णा जी, क्योंकि अगर हम देखें 4:22 से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और 6 बजे तक हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण रहेगा, तो कितना प्रभाव भारत पर? जब सूतक लग जाता है जी, तभी से आप इसका प्रभाव देखना प्रारंभ कर देंगे, और इसका भारत पे जो प्रभाव है वो है, मगर इतना नहीं है, मैं मान के चलिए कम से कम जो है कहीं इनके ऊपर 60% जो है असर भारत पे पड़ने वाला है। और विदेशों की अगर हम बात करते हैं, तो विदेशों में यहाँ पर कम से कम 80% पड़ने वाला है। कहीं युद्ध की घटनाएं सुनेंगे, कहीं जो है प्राकृतिक आपदाओं की सुनेंगे, कहीं जो है आपस में लोगों में लड़ाई झगड़े की सुनेंगे, आग कहीं लग रही है, कहीं जो है भूकंप आ रहा है, इस तरीके की कुछ घटनाओं को आप सुन सकते हैं, और साथ ही महंगाई देखेंगे, और प्रजा और साथ ही सरकार के बीच में थोड़ा सा जो है तालमेल कहीं बिगड़ सकता है, उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों का राजा है जी, जो सरकारी क्षेत्र के लोगों से भी जुड़े होते हैं, पद प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं, सरकार से जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोगों के साथ में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। शनि इस साल के राजा है, तो जब राजा शनि होता है तो वहां पे प्रजा हमेशा दुखी रहती है, महंगाई की झेल को झेलती है, साथ ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटनाएं जो है उनके साथ होती रहती है,
चाहे वो धार्मिक स्थल पे हो, चाहे वो कहीं पे भी ऐसी जगह जहां पर जो है आप कह सकते हैं कि पहाड़ गिर रहे हैं या फिर कोई ज्वालामुखी फट रहा है या जल से संबंधित कोई समस्या हो रही है, तो ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। दिसंबर तक के एंड तक ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रकोप करके जाएगी। कृष्णा जी, 4 बजे के बाद से सूर्य ग्रहण भारत में शुरू हुआ, 6 बजे के बाद तक चलेगा, क्या चीज, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए अगर आम जनमानस की बात करें, क्योंकि लोग कहते हैं इस दौरान खाना मत खाइए, कोई कहता है बाहर मत जाइए, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो बोला गया है शास्त्रों के अनुसार कि आप जो है ग्रहण के समय बिल्कुल भोजन नहीं करिए, मगर शास्त्र ये भी कहते हैं यदि आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुसार उपाय भी निकाले गए हैं कि आप पानी में तुलसी डाल दीजिए, उसको ग्रहण कर सकते हैं। नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखना है और जिसकी राशि पे भारी है उसको तो विशेष कर नहीं देखना है, अन्यथा नेत्रों पर, हृदय पर, शरीर पर, स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो ये जो प्रभाव है ये हमें बताते हैं कि आपको सूर्य ग्रहण नहीं देखना है, क्योंकि आपके लिए हितकारी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को भी बहुत ज्यादा बचकर रहना है, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उसके ऊपर असर पड़ सकता है, उसके नेत्रों पे पड़ सकता है, उसके शरीर पर पड़ सकता है। तो ऐसे में काटने से, जलाने से, और उसके अलावा आप कोई कपड़े धो रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ऐसी चीजें गर्भवती महिलाएं ना करें। बुजुर्ग हैं, दवाई लेनी है तो आप जो है तुलसी जल डालकर उस जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई भी ऐसा शास्त्र में नहीं है कोई प्रतिबंध है, मगर बच्चों को सूर्य ग्रहण में बाहर ऐसे ना निकलने दे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें नग्न आंखों से आसमान को नहीं देखना है। तो इस चीज का आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, यही सारी चीजें। और जितनी चीजें हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए यह है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो जी, उस समय गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन और भोजन में अगर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे आटा हो गया, उड़द हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीजें निकाल दें जी। और ये किसी सफाई कर्मचारी को दिया जाता है, पंडितों के लिए अलग रखा जाता है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो आपके ऑरा को, आपके घर के सारी चीजों को अच्छा करता है। अन्यथा जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके परिवार को और आपको नुकसान दे सकती जी। लगता है कि हाँ मैं अभी कुछ नहीं हो रहा, मगर 24 घंटे के अंदर, कभी कभी सवा महीने के अंदर इसका असर जरूर जी। कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।